हेलो हेलो, कौन कौन आ गए बताइए लाइव चैट में। तो हेलो दीप रत्न भाई, सबसे पहले दीप रत्न दिख रहा है लाइव चैट में। हेलो हेलो, ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक निकाल के रखना, ठीक है। एक सेकंड, मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक ला देता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते एक काम करते एक काम करते हैं। ओके, और कौन आ गया बताओ बताओ। टेक्स्ट बुक निकाल ली, टेक्स्ट बुक निकाल ली क्या, बताओ बताओ। और कौन आ गया बताओ। बोलो बोलो, हेलो। दीप रत्न, आर यू हियर? हेलो, ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक निकाल लो। और पहला तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आंसर सीधे स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर का, ठीक है। एक बार सिर्फ बता देता हूँ, डैश इज यूज्ड फॉर नोइंग डायरेक्शंस। तो सभी को पता है डायरेक्शंस पता करने के लिए कंपस का इस्तेमाल होता है। एंड डैश इज नॉट एन एसेंशियल मटेरियल फॉर फील्ड विजिट। तो यहाँ पे नोटबुक, मैप, बार चार्ट और कैमरा दिया हुआ है, तो बार चार्ट की फील्ड विजिट पे क्या जरूरत होगी। सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड लेसन पे चलते हैं। यहाँ पे अभी, हाँ अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये दिख जाएगा। चलो इसको बंद कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। और कौन आ गया मुझे बताइए लाइव चैट पे, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप एक बार आंसर कीजिए, ठीक है। चलो चलो बताओ, थोड़ा मैं एक सेकंड में आया, ठीक है। मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ। हाँ भैया आ गया मैं। चलो बताओ बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है दीप रत्न भाई, इंदिरा पॉइंट। इंडिया सदर्न मोस्ट टिप इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड ब्राजील हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, डैश दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विथ ब्राजील। भाई ब्राजील का मैप निकाल लो, ठीक है, ब्राजील का मैप निकाल लो, तो अच्छे से हम देख लेंगे कौन सी कंट्रीज आती है ब्राजील के नेबरहुड में, ठीक है। तो देखो ध्यान से ब्राजील के मैप को, फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट ब्राजील का मैप निकालो। चलो हम एक बार ब्राजील का मैप रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस रिवाइज दिस मैप, ठीक है। तो ये दिख रहा है ब्राजील का मैप यहाँ पे, ठीक है। ये ब्राजील का मैप निकाल लो, पेज नंबर 11 पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है ब्राजील के नेबरहुड में, तो यहाँ पे आता है फ्रेंच गयाना, क्या कहते हैं फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना के बाद आता है सरीनाम, क्या आता है सरीनाम यहाँ पे, उसके बाद आता है गयाना। फ्रेंच गयाना और गयाना अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ब्राजील की नेबरिंग कंट्रीज है। तो फ्रेंच गयाना, सरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला आता है, वेनेजुएला के नीचे कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया के नीचे पेरू, ठीक है, या फिर पेरू भी कह सकते हैं, पेरू भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर पेरू के नीचे बोलीविया, यहाँ पे आता है बोलीविया, यहाँ पे पैराग्वे, ठीक है, क्या आता है पैराग्वे। पैराग्वे के नीचे क्या है अर्जेंटीना, क्या है अर्जेंटीना, और नीचे है उरुग्वे। तो ये कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं ब्राजील के साथ। एक और बार देख लो, एक और बार देख लो, क्या क्या है, फ्रेंच गयाना, सरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। तो अब मुझे बताओ किसके नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है जो चिले है, ये देश तो आया ही नहीं है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई चिले, इक्वेडोर इज द करेक्ट आंसर। चिले और इक्वेडोर ये दोनों ये कंट्रीज के लिस्ट में नहीं थे, सो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ, ओके, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ, किसके साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है बताओ। डू यू नो,
बहुत लोगों को ये गलत आंसर पता होता है इसका, ठीक है? बहुत लोगों को इसका गलत आंसर पता होता है, बहुत लोगों को इसका गलत आंसर पता होता है। बताओ बताओ। इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ, बहुत लोगों को इसका गलत आंसर पता होता है। लेट अस सी इफ यू नो द करेक्ट आंसर। डू यू नो, डू यू नो द करेक्ट आंसर? नहीं पता होगा ना? सो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बहुत लोगों को पाकिस्तान लगता है, बहुत लोगों को चाइना लगता है, बट द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है इंडिया का। अंडरस्टूड? अगर तुम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला मैप ना देखो, अगर तुम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला मैप देखो, मतलब इंडिया में से वो दोनों पार्ट्स को अगर अलग कर दो तो चाइना का लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगता है। लेकिन अगर तुम ऑफिशियल मैप देखो इंडिया का, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होता है, उसके हिसाब से बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अंडरस्टूड? सो द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कैपिटल, डैश इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेपाल, नेपाल का लॉन्गेस्ट कैसे होगा भाई? नेपाल देश ही इतना छोटा है, वो महाराष्ट्र के साइज का भी नहीं होगा। वो नेपाल महाराष्ट्र से भी छोटा देश है वो, उसके साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कैसे हो सकता है? सोचो जरा। तुम्हें मैप्स के अच्छे से नॉलेज नहीं है, एक बार मैप, जरा मैप देखेंगे, ठीक है? एक बार मैं तुम्हें मैप दिखाने वाला हूँ, रुक जाओ जरा। ठीक है, तो भाई देख लो, देख लो, इसको कर लो फटाफट। नेक्स्ट वाले का आंसर बता दो। डैश इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? वॉट इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया? तो एक बार मैं दिखा देता हूं। ओके, हाँ दिल्ली है, बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली एक्चुअली, ठीक है? देर इज अ डिफरेंस। दिल्ली एक पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी है जिसमें शिट 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 इंटरनेट होगा। हेलो हेलो हेलो, ओके हेलो, ओके। अभी मैं एक और बार बता रहा हूँ, ओके। आई एम सो सॉरी, लैग हुआ, आई एम सो सॉरी। अभी आएगा, अभी आएगा। देखो ये बारिश की, तो ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा होता है। हाँ ठीक है, तो न्यू दिल्ली और दिल्ली में एक फर्क होता है, मैं बता रहा था। दिल्ली मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली। अंडरस्टूड? सो देयर इज अ डिफरेंस। दिल्ली मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट, उसमें की एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली, ठीक है? सो न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉट दिल्ली। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना अगर दोनों ऑप्शन वैसे दे दिए। डैश इज द नेशनल कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्रसीलिया। बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक मैप दिखाना है, ठीक है? मुझे पहले एक मैप दिखाना है, ध्यान दो, ध्यान दो इस मैप पे, मुझे तुम्हें एक मैप दिखाना है, ठीक है? ये कौन सा मैप है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखो अभी इस मैप के ऊपर, नहीं ये वाला मैप देख लो, ठीक है? इसके ऊपर तुम्हें दिख रहा है, ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया के बॉर्डर्स देखो किसके साथ लगते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगता है ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये वाला। अब तुम देखो ना, पाकिस्तान का और चाइना का बॉर्डर तुम एक बार ये करके देखो, क्या कहते हैं, कंपेयर करके देखो, ठीक है? ये पूरा चाइना का बॉर्डर है ये, ठीक है, और ये पाकिस्तान का। तो चाइना का बिगर है कि नहीं? ये स्पेशली ये एरिया देखो कितना बड़ा बॉर्डर निकलता है, ठीक है? ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो चाइना के साथ काफी बड़ा बॉर्डर है, ठीक है? तो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है। और बांग्लादेश का बॉर्डर हमें दिखने में छोटा लगता है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसे है। ये देखो, अगर तुम एक रस्सी लेते हो, उसको तुम ऐसे रखते हो तो वो छोटी दिखेगी, लेकिन उसको ऐसे कर दोगे तो लंबी खिंच जाएगी। वही चीज है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ सबसे बड़ा वाला बॉर्डर है। अंडरस्टूड? दिखने में छोटा है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा बॉर्डर है, ठीक है? तो ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ तो देखो ना कितना छोटा है, कितना छोटा सा बॉर्डर है। ये महाराष्ट्र जितना भी नहीं है, देखो ये महाराष्ट्र है, ये नेपाल है, ये महाराष्ट्र है, ये नेपाल है, कितना छोटा है। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद देखो भूटान है, भूटान के साथ तो एकदम ही छोटा सा, और यहाँ पे है म्यांमार के साथ बॉर्डर, ठीक है? इवन म्यांमार और नेपाल में से मुझे लगता है नेपाल का ही बड़ा होगा, क्योंकि म्यांमार देखो थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन इतनी सी है, नेपाल में स्ट्रेट लाइन प्लस ये भी है, ठीक है? समझ में आ गया? और ऊपर एक एकदम छोटा सा, एकदम
टाइनी एक छोटा सा बॉर्डर आता है अफगानिस्तान के साथ। ये देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एकदम छोटा सा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गई बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई दीपरत्न भाई, यार संकेत कुछ कर इस लैग का, मैं क्या करूं, मैं बारिश पे कंट्रोल करूं अब? और दीपरत्न अभी भी, दीपरत्न ने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, ठीक है? मैं देख रहा हूँ नहीं बुलाया दोस्तों को, है कि नहीं? चलो, ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स, बिल्कुल सही जवाब है। लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज, बताओ 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 क्या होगा? बताओ ब्राजील और इंडिया में क्या कॉमन है? दोनों कंट्रीज के अंदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्या? नहीं है। ब्राजील में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, ब्राजील में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वेस्ट में तो लैंड है, ठीक है, ईस्ट में पानी है ना, ईस्ट में ओशन है, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। स्नो कैप्ड माउंटेन्स ब्राजील में नहीं है, बिकॉज ये वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी नहीं है, हाई माउंटेन्स वही तो बोला नहीं है, तो क्या बचा? एंशियंट प्लेटो, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज एंशियंट प्लेटो। अरे हाईलैंड्स किधर है रे बाबा इसमें? ये चारों ऑप्शन में किधर हाईलैंड्स दिखा तेरे को? हाईलैंड्स नहीं है इस चारों ऑप्शन में, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज एंशियंट प्लेटो, ठीक है, एंशियंट प्लेटो, ठीक है। चलो एंशियंट प्लेटो, इंडिया में कौन सा एंशियंट प्लेटो है? एक है डेक्कन प्लेटो, एक है छोटा नागपुर प्लेटो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटोज है। और ब्राजील में उनका जो प्लेटो है उसको हम कहते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, द अमेज़न रिवर बेसिन इज मेनली व्हाट? हाँ एंशियंट प्लेटो इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द अमेज़न रिवर इज, रिवर बेसिन इज मेनली, तो ये तो बहुत ही आसान है। अमेज़न रिवर बेसिन में क्या है, क्या है बताओ बताओ बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ ऑप्शन नंबर भी लिख दिया ना तो भी काफी है, पूरा आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं। बराबर, फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है कि नहीं? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो, और अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़न इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ क्या है? नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज आर फाउंड, ओके गुड। सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी आर क्या है? कोरल आइलैंड्स, वेरी नाइस, कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स के वहां पे स्कूबा डाइविंग बहुत होती है, वहां पे लोग जाकर ऐसे समुद्र के नीचे जाते हैं और वहां पे पूरी ऐसे एक्वेटिक लाइफ वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा सा वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी रहती है एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट? कोरल रीफ। टू द फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज लाइज, और बाय द वे जो कल का सरप्राइज है वो घर पे आ चुका है, डिलीवर हो चुका है, ठीक है। उसका वीडियो भी बना लिया है मैंने, अभी एडिट करके कल डालूंगा। अरे दीपरत्न यार, अपने दोस्तों को बुलाना यार, क्या है ये, क्या है, अकेला आता है, हैं? ऐसे थोड़ी होता है, अकेला ही आ जाता है हमेशा। चलो बताओ बताओ, टू द फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज लाइज द, अरे क्या है? हाँ मेवाड़ प्लेटो, बिल्कुल सही जवाब है, मेवाड़ प्लेटो, ठीक है। अरावलीज नाम की एक माउंटेन रेंज है राजस्थान में, और वो अरावली जो माउंटेन्स है उसके वहां पे आसपास वहां पे मेवाड़ प्लेटो आता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द फुट, टू द फुट फुट हिल्स ऑफ द अरावलीज लाइज द मेवाड़ प्लेटो। एक मिनट, मेवाड़ होता है या मालवा होता है? वेट एक मिनट, आई थिंक इट इज रॉन्ग, नो 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 नो, मेवाड़ थोड़ी मालवा होता है ना,
मालवा प्लेटो होता है, एक सेकंड, मालवा प्लेटो होता है ना, मुझे एक सेकंड मैप चेक करना ना। नहीं, मेवाड़ प्लेटो, करेक्ट करेक्ट, मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर, या मेवाड़ इज करेक्ट। हाँ करेक्ट करेक्ट। इंडिया इज कवर्ड मेनली बाय, सेवेंथ का क्या होगा बताओ, इंडिया इज कवर्ड मेनली बाय माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स, एंशियंट प्लेटोज या डेजर्ट। तो बहुत ही इजी है, देखो माउंटेनियस रेंज पूरे इंडिया में नहीं है, किधर किधर है, नॉर्थ पार्ट में हिमालयस, बीच में से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ये मेनली माउंटेनियस रेंजेस है, तो ये पूरे इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। प्लेन्स, प्लेन्स कहाँ पे है, प्लेन्स सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार उस साइड पे है, बाकी इंडिया में प्लेन्स थोड़े ही है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेजर्ट्स, डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में है, तो ये कैसे हो सकता है, इंडिया इज मेनली कवर्ड बाय डेजर्ट, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, एंशियंट प्लेटोज, देखो इंडिया में बहुत सारे प्लेटोज है, इंडिया में एक डेक्कन प्लेटो है जहाँ पे मैं भी रहता हूँ, जहाँ पे आप भी रहते हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। एक है हमारा महाराष्ट्र प्लेटो जो कि थाने के आसपास आता है, एक है कर्नाटका प्लेटो, एक है छोटा नागपुर प्लेटो, एक है तेलंगाना प्लेटो, और नॉर्थ ईस्ट में भी प्लेटोज है, सो बहुत सारे प्लेटोज है इंडिया में, सो दैट्स वाई इंडिया इज कवर्ड मेनली बाय एंशियंट प्लेटोज, सो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप रत्न ट्राई टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, हिमालयस में सबसे नॉर्थ वाली रेंज को क्या कहा जाता है बताओ, सबसे नॉर्थ वाली रेंज को क्या कहते हैं। चलो मैं एक बार है ना दिखा देता हूँ। अच्छा ये पता है तुम्हें, नहीं पता होगा है कि नहीं, ये तो नहीं पता। हेलो हेलो, लैगिंग, अबे यार ये इंटरनेट की तो ऐसी की तैसी। अभी हो जाएगा शायद, अभी आ रहे, अभी आ रहे क्या, ठीक से, नाउ कमिंग, अभी आ रहे, अभी तो आ रहा होगा साला, ये इंटरनेट का तो। आ रहा है, हेलो हेलो, आ रहा है क्या, ओके अभी आ रहा होगा, बीच बीच में लैग होता है, अरे अब क्या करें क्या करें, ओके अब मैं कुछ नहीं कर सकता उस लैगिंग को। अच्छा चलो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये ड्रॉ करके, ठीक है, चलो चलो लेट्स ड्रॉ इट, लेट्स ड्रॉ इट। हमारी टेक्स्ट बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना उसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हिमालयस कैसे होते हैं, हिमालयस के अंदर कौन सी रेंजेस होते हैं, देखो पेज नंबर 16 पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे साउथ वाली रेंज होती है हिमालयस में, जो सबसे साउथ वाली रेंज होती है उसको बोलते हैं शिवालिक्स, क्या कहते हैं, शिवालिक्स या फिर शिवालिक्स, कोई भी एक नाम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको उसके ऊपर जो आता है उसके ऊपर आता है लेसर हिमालयाज, क्या आता है, लेसर हिमालयाज। उसके ऊपर क्या आता है, ग्रेटर हिमालयाज, उसके ऊपर क्या आता है, ग्रेटर हिमालयाज, और ग्रेटर हिमालयाज के ऊपर क्या आता है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, क्या आती है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अच्छा मैं एक बार तुम्हें फैक्ट्स बता देता हूँ कुछ, ठीक है, हेलो हेलो, अगर आ रहा है तो सही बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक और बार बता देता हूँ, प्लीज थोड़ा सा लैग होगा मुझे पता है, बट एक और बार देख लो, दिस इज द शिवालिक्स, दीज आर द लेसर हिमालयाज, दीज आर द ग्रेटर हिमालयाज, एंड दीज आर द ट्रांस हिमालयन रेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ, ऐसे होता है, ठीक है। तो शिवालिक्स,
लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अब देखो, ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है? ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द लैगिंग, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, बट आई कांट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, ठीक है? ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं। एक और बार देख लो, शिवालिक्स, लोअर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रेंजेस। जो सिंधु नदी जो होते हैं ना, इंडस नदी, वो सारी नदियां ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस से शुरू होती है, अंडरस्टूड? और शिवालिक से क्या शुरू होती है? गंगा नदी वगैरह, अंडरस्टूड? गंगा नदी वगैरह ये शिवालिक रेंजेस से शुरू होती है। तो समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है? चलो भाई बताओ फिर, अच्छा चलता है। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा लैग होगा, आई नो आई नो, आज बारिश का मौसम है इसलिए लैग हो रहा है, पता है मुझे। थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर होगा? डैश इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, विच इज द यंगेस्ट रेंज, विच इज द यंगेस्ट रेंज, कैन यू टेल मी? इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? ये भी मैं दिखाई देता हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है, यहाँ पे आते हैं शिवालिक्स, फिर लेसर हिमालयास, फिर ग्रेटर हिमालयास, फिर ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अच्छा, पता है हिमालयस कैसे फॉर्म हुए थे? पता है ये हिमालयस कैसे हुए, कहाँ से आए ये? पहले तो ये थे ही नहीं, ये कैसे फॉर्म हुए पता है? तो हमारे जो इंडिया था ना, ओके वेट, इंटरनेट 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 मुझे लगता है खराब आ रहा है। ओके सी, पहले हिमालयस हुआ ही नहीं करते थे। पहले इंडिया ऐसे एक आइलैंड था, ऐसे एक ट्रायंगुलर आइलैंड था, और यहाँ पे था एशिया, यहाँ पे क्या था? एशिया। फिर क्या हुआ, इंडिया धीरे 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 खिसकता गया, खिसकता गया, खिसकता गया, और आखिर एशिया को टकरा गया। अब जब टकरा गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, टकराने की वजह से ऐसे ऐसे हिमालयस फॉर्म हो गए और अलग अलग लेयर्स में फॉर्म हुए। अब मुझे बताओ, जब इंडिया टकराएगा तो सबसे पहले कौन सी रेंज फॉर्म हुई होगी? ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ये सबसे पहले फॉर्म हुई होगी। क्यों सबसे पहले? अभी टकराया तो सबसे पहले ये फॉर्म हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद ये हुआ ना। सो दैट्स व्हाई द ओल्डेस्ट वन ऑफ दीज इज ट्रांस हिमालयन रेंजेस, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, और लास्ट में फिर शिवालिक रेंज फॉर्म हुई थी। तो विच इज द यंगेस्ट रेंज? द यंगेस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज। अंडरस्टूड? द यंगेस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताओ इसका बिल्कुल सही जवाब है दीपरत्न भाई, एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, टेल मी, द प्लेन्स इन राजस्थान आर नोन एज व्हाट डेजर्ट? तो सभी को पता होना चाहिए ये चीज, सहारा डेजर्ट ही आता है अफ्रीका में, कालाहारी डेजर्ट ये भी अफ्रीका में, गोबी डेजर्ट ये चाइना में आता है, ठीक है? तो बचा क्या? थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट आता है राजस्थान में, और इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट लेसन, इन ब्राजील व्हाट डैश रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल किधर होती है बताओ? गयाना हाइलैंड्स में होती है, विंडवर्ड साइड ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट, अमेजॉन रिवर बेसिन, या फिर पैराग्वे पराना रिवर बेसिन। अच्छा, ब्राजील का मैप आता है ना, ब्राजील का मैप आना चाहिए दीपरत्न, आता है? बताओ बताओ, तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल किधर होती है? गलत, नहीं आता। चलो चलो, एक बार ब्राजील का मैप दिखा देते हैं। चलो चलो चलो, लेट्स,
लेट्स डू दिस, ठीक है। चलो ब्राजील का मैप देख लेते एक बार, ओके। यहाँ पे ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, ओके। सो दिस इज रफली और शेप ऑफ ब्राजील, ठीक है। अब इस ब्राजील में यहाँ पे आपके आते हैं गयाना हाइलैंड्स, ठीक है। पहले मैं ओशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ओशन किधर है? ओशन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये ओशन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लैंड है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये पूरा लैंड है, यहाँ पे ओशन है, ठीक है। ये ब्राजील है। अब देखो इस पार्ट में आपके आते हैं क्या? आपके आते हैं गयाना हाइलैंड्स। क्या आते हैं बोलो? गयाना हाइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे गयाना ये देश यहाँ पे आता है, इसीलिए गयाना हाइलैंड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका अमेजॉन रिवर बेसिन, अमेजॉन रिवर बेसिन, ए भी लिख देते हैं इसको, अमेजॉन बेसिन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आपका आता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, यहाँ पे आता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, अंडरस्टूड। यहाँ पे आता है ब्राजीलियन हाइलैंड्स, यहाँ पे आता है ब्राजीलियन हाइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ, एक्चुअली ब्राजीलियन हाइलैंड्स यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इसको हम बोलते हैं काटिंगा रीजन। क्या कहते हैं? काटिंगा रीजन, या फिर हम इसको ड्राउट क्वाड्रिलैटरल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आता है आपका पराना, ठीक है, पराना, या फिर इसको कह सकते हैं पंटनाल रीजन। पंटनाल रीजन कैसा है? स्वाम्पी है, मतलब ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ रहता है और यहाँ पे इंसेक्ट्स की काफी सारी स्पीशीज पाई जाती है पंटनाल में, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गयाना हाइलैंड्स, इसके साइड में आता है अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है। यहाँ पे आपका ओशन है, ओशन के साइड में आ जाता है आपका ग्रेट एस्कार्पमेंट, यहाँ पे आ जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड और यहाँ पे आ जाता है काटिंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी जो बारिश है, वो बारिश कैसे आती है? वो बारिश सी के साइड से आएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ड्राई रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो भी विंड्स आती है वो यहीं पे आकर टकरा जाती है और रुक जाती है ब्राजीलियन हाईलैंड्स पे, अंडरस्टूड। सो देखिए, जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है उसका जो ये वाला साइड है, इसको हम विंडवर्ड साइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे विंड्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे विंड्स आ रही है, तो ये विंडवर्ड साइड हो गई। तो इसीलिए जो विंडवर्ड साइड है इसके ऊपर बारिश हो जाती है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, अंडरस्टूड। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट के विंडवर्ड साइड पे आपकी बारिश हो जाती है। गयाना हाइलैंड्स तो यहाँ पे तो बारिश होने का क्या कहते हैं, यहाँ से आएगी ना बारिश, बारिश तो यहाँ से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओरोग्राफिक नहीं होगी, ओरोग्राफिक यहाँ पे होती है। ओरोग्राफिक क्या मतलब? ओरोग्राफिक मतलब बीच में एक पहाड़ आ गया, तो उस पहाड़ की वजह से विंड रुक गई और वही के वही बारिश कर दी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे पहाड़ आ गया, पहाड़ ने रोक दिया और यहाँ पे ही बारिश हो गई, कोस्ट पे ही बारिश हो गई, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड ऑफ ग्रेट एस्कार्पमेंट, गयाना हाईलैंड्स में होने का ऐसा कोई चांस नहीं है। और क्या आपको ऑप्शन दिया? अमेजॉन रिवर बेसिन में भी ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, और पैराग्वे पराना रिवर बेसिन यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, अंडरस्टूड। समझ में आ गया मैप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, अंडरस्टूड दीप रत्न? गयाना आइलैंड, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो भाई इसमें मेहनत लगती है यार, प्लीज प्लीज अपने दोस्तों को बुलाओ, ये एक दो लोगों के लिए मैं नहीं कर सकता ऐसे सेशन, है कि नहीं? एक दो लोगों के लिए थोड़े ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डैश रिसीव्स मोर देन 11,000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, मुंबई दिल्ली चेन्नई मौसिनराम। ओके ओके समझ में आ गया, चलो बताओ। हाँ भाई बताओ क्या होगा? इन इंडिया डैश रिसीव्स मोर देन 11,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, क्या है, किधर आती है सबसे ज्यादा बारिश? 11,000 मिलीमीटर मतलब बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश। तो ये किधर होती है, किधर होती है, टेल मी किधर होती है इतनी ज्यादा बारिश, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश किधर होती है? ये सं यार संकेत प्लीज मत बोल, गिल्टी फीलिंग होता है, कल पक्का बुलाऊंगा। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कल पक्का बुला लूँ। ओके हाँ ठीक है ओके। चलो ये बताओ अभी सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है, एकदम भर भर के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है, टेल मी।
बताओ जल्दी बताओ, टेल मी क्या होगा दीपरत्न भाई? और कौन आ गया लाइव चैट में? हाय डाल दो, मेरे ख्याल से मोहित भाई आ चुके हैं। मोहित भाई आर यू हियर? या और कौन आया बताओ बताओ। चलो इसका बताओ, सबसे ज्यादा बारिश किधर होती है दुनिया में? अरे कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना जी लैग हो रहा है पर नहीं पता, डी लग रहा है। ओके 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 ओके, हाँ करेक्ट है। मौसिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसिन राम ये जो जगह है, चेरापूंजी और मौसिन राम, ये दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय की ये दो जगहें हैं, ठीक है। चेरापूंजी मौसिन राम, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, 11,000 मिलीमीटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इन इंडिया डैश रिसीव रेन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में किधर बारिश होती है बताओ, नवंबर में किधर बारिश होती है, टेल मी नवंबर में किधर बारिश होती है? तो मॉनसून पैटर्न पता है कि नहीं पता? मॉनसून पैटर्न पता है ना? नहीं मुझे नहीं लगता, अगर ब्राजील का मैप नहीं पता तो शायद मॉनसून पैटर्न तो नहीं पता होगा, है कि नहीं? चलो एक काम करते, मॉनसून पैटर्न भी बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। चलो ये हटाओ भाई। तो ये है हमारा, यहाँ पे मैं इंडिया ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो रफली एकदम रफ रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, ठीक है, एकदम घटिया ड्राइंग है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा दिखता है इंडिया। ओके अब देखो, इस इंडिया के अंदर बारिश शुरू किधर से होती है? तो सबसे पहले आती है केरला में, ठीक है। केरला, यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, है कि नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र। तो सबसे पहले जून महीने में जो है ये एरिया में बारिश आती है सबसे पहले, ठीक है, यहां से आती है। बारिश की विंड्स किधर से आती है पता है? ऑस्ट्रेलिया के पास से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है सपोज, ठीक है, बहुत दूर है वैसे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सपोज कर लेते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे विंड आती है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के साउथ में से ऐसे विंड आती है और ऐसे ऊपर आ जाती है, और यहाँ पे केरला में सबसे पहले आती है विंड्स, ठीक है, और केरला में यहाँ पर बारिश करती है। फिर केरला के बाद फिर यहाँ पे आती है कर्नाटका गोवा साइड पे, ठीक है, और फिर कर्नाटका गोवा के बाद आती है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जून जुलाई में सबसे ज्यादा अगर कहीं बारिश होती है तो वो है महाराष्ट्र, इवन अगस्त में भी काफी बारिश होती है, ठीक है। फिर उसके आगे फिर वो आगे बढ़ती है गुजरात में और राजस्थान के एकदम ईस्टर्न। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके आते हैं, यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, यह है विंध्या रेंज, यह सतपुड़ा रेंज, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास, और यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज आता है अरावली रेंज। सारे माउंटेनियस रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आता है आपका हिमालयन रेंज, ठीक है। अब ये माउंटेनियस रेंजेस के हिसाब से ध्यान दो कैसे जाता है मॉनसून। तो मॉनसून ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब ये विंध्या और अरावली के बीच में से मॉनसून जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट रीजन है और यहाँ पे भी सूखा पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि देखो महाराष्ट्र का आपको पता है मराठवाड़ा में कितना सूखा पड़ता है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है ना, इसकी वजह से बारिश बराबर इसके बीच में से जाती है, ठीक है, और ये अरावली आ जाता है, इसकी वजह से बारिश उस साइड नहीं होती, यहाँ पे थार डेजर्ट बन जाता है राजस्थान में और वहां पे बारिश नहीं होती, ठीक है। फिर और किधर जाती है? फिर ये यहाँ पे दिल्ली पहुंच गई, फिर दिल्ली से यहाँ पे और थोड़ा सा आगे जाकर फिर यहाँ पे हिमालय आ गए, कि फिर यहाँ से यू टर्न ले लेती है, यहाँ से यू टर्न ले लेती है, फिर बारिश जाती है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, हिमालय के साथ साथ ऐसे, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, यहाँ पे बारिश होती है। अंडरस्टूड? ऐसे बारिश जाती है। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ऐसे जाती है बारिश। वैसे ही यहां से भी थोड़ी सी बारिश हो रही होती है साथ साथ में, ठीक है, अगस्त सितंबर में थोड़ी सी, यहाँ पे भी अगस्त तक यहाँ पे भी बारिश हो रही रहती है। यहाँ पे आपका आ जाता है चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे आता है चेन्नई। तो ये बारिश ऐसे जारी रहती है, नॉर्थ ईस्ट में बारिश करते एकदम भर भर के बारिश होती है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ी सी बारिश यहाँ से भी आती है, थोड़ी सी बारिश यहाँ से भी आती है, ठीक है। फिर क्या होता है पता है? फिर क्या होता है? फिर उसके बाद ये वाली बारिश रिटर्न कर जाती है, ये वाली बारिश आती है यहाँ से, ये वाली बारिश ऐसे यहाँ से आती है। अंडरस्टूड? दीप रत्न आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा सा लैग हो रहा है कि नहीं? थोड़ा सा लैग हो रहा होगा आई थिंक भाई। मैं अकेला हाउ स्टूडेंट मतलब नहीं पता। ओके देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और बार देख लो, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? ओके देखो, तो ऐसे आ रहा है, ये बारिश ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और फिर यहाँ से ऐसे आ रही है,
अंडरस्टूड। तो चेन्नई में सबसे लास्ट बारिश होती है, एक तो अगस्त में होती है और उसके बाद एकदम लास्ट में नवंबर में भी बारिश होती है चेन्नई में, क्योंकि ये बारिश पूरी ऐसे घूम कर ऐसे 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 यहाँ पे आती है, तो इसलिए चेन्नई में नवंबर महीने में भी बारिश हो जाती है। अंडरस्टूड। सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर कि भाई नवंबर में कहाँ पे बारिश होती है, तो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? रोहन भाई क्या हो रहा है? रोहन मात्रे हेलो भाई, मैं अकेला हूँ स्टूडेंट नहीं भाई, दीपरत्न भी है साथ में। ठीक है, चलो चलो, हेलो हेलो, और इसका आंसर दे दीजिए आप फोर्थ क्वेश्चन का। इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ डैश टाइप टेल मी। और मुझे पता है थोड़ा सा लैग हो रहा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ रेन्स एंड ऑल। ठीक है, आई नो, प्लीज थोड़ा सा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट हाँ पता है मुझे। चलो बताओ, वन स्टूडेंट ओनली सी यू भाई, वन नहीं दो। पहली चीज तो मतलब अभी के सेशन में एक ही आया है, लेकिन मोहित भाई भी आते हैं हमारे, कभी कभी संस्कार भाई भी आते हैं। ठीक है, तीन चार लोग हैं कम से कम, और हाँ ओके। और उसी के साथ साथ रोहन भाई, आज से आप भी आ रहे हो क्या? आर यू कमिंग फ्रॉम टूडे? आज से रोहन भाई भी आ रहे हैं साथ में। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो फटाफट, क्या होगा? इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ वॉट टाइप? सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। चलो चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ डैश टाइप। कौन से टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में, बताओ बताओ बताओ, कौन से टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में? इंडियाज क्लाइमेट इज ऑफ विच टाइप? रोहन भाई, आर यू इन क्लास टेंथ या क्लास टेंथ पास कर चुके हो? ओके ओके, क्लास टेंथ में आए हो या क्लास टेंथ पास कर चुके हो, बताओ जरा और इसका आंसर दे दो अगर पता हो तो। दीपरत्न, डू यू नो? दीपरत्न, मॉनसून टाइप आई थिंक, करेक्ट, मॉनसून टाइप, यस मॉनसून टाइप है इंडिया का क्लाइमेट इज ऑफ मॉनसून टाइप। लास्ट, एज द डैश एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज मोर, देर इज अ वैरायटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या है ब्राजील का कौन सा एक्सटेंट ज्यादा है? इक्वेटोरियल एक्सटेंट, वो क्या होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, या दोनों ज्यादा है ब्राजील का, बताओ। रोहन भाई, हैव यू जस्ट एंटर्ड क्लास टेंथ या क्लास टेंथ हो चुकी है आपकी? अभी आया हूँ। ओके, तो मैं, मुझे लगता है आपके लिए ये क्विज सही नहीं रहेगा। कल से 10th स्टैंडर्ड के लिए बैच शुरू हो रही है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। ठीक है, कल से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बैच शुरू हो रही है। ठीक है, कल शाम को साढ़े छः बजे आ जाना। ठीक है, जरूर आ जाना 6:30 बजे शाम को। ठीक है, तो कल शाम को 6:30 बजे चैनल पे रहो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि फिर नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, कल से 6:30 बजे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का फर्स्ट सेशन है, तो आ जाना। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और दीपरत्न को पता है कि एक्सप्लेनेशन कैसा है हमारे चैनल पे। सो आई थिंक इफ यू वांट फीडबैक यू कैन आस्क हिम। और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं मैंने, बस लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके अच्छे से। ठीक है, चलो चलो, दीपरत्न टेल मी, एज द डैश एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज मोर, क्या है? ओके ओके, ठीक है, चलो दीपरत्न बताओ भाई, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, लॉन्जिट्यूडनल ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, बताओ बताओ। ओके, हेलो श्रेयस भाई, बहुत दिनों बाद दिखे बहुत दिनों बाद नहीं, पहली बार ही दिखे आई थिंक लाइव स्ट्रीम में। चलो भाई आंसर बताओ। यस, हाँ श्रेयस भाई आ चुके हैं, चलिए बताइए, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है ब्राजील का, लैटिट्यूडनल ज्यादा है, या दोनों ज्यादा है? ब्राजील का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ज्यादा है, लॉन्जिट्यूडनल ज्यादा है, या दोनों ज्यादा है, बताओ। श्रेयस टेल मी, दीपरत्न टेल मी, पता है दोनों को, पता है क्या? और भाई सर मत बोलो, मैं आपसे एक ही साल बड़ा हूं, ठीक है, सर मत बोलो, भाई बोलो। चलो चलो इसका आंसर बताओ, किसी को नहीं पता? ये मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, देखो जब आप ब्राजील और इंडिया का मैप कंपेयर करते हो, ठीक है, इंडिया और ब्राजील का, एक्चुअली संस्कार टोल्ड मी अबाउट यू, ओके ओके ओके, नाइस। अच्छा अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो देखो ये कैसे कंपेयर करते हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देख लेना। देखो आपको दिए हुए ना, स्कूल में आपको बताया होगा, पेज नंबर आपके भाई ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक खोल लो, ठीक है, उसके अंदर से मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 10 और 11 पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में बताया हुआ है ब्राजील के, है कि नहीं? जब आप उसको देखते हो, पेज नंबर 10 पर आपका इंडिया का दिया हुआ है,
तो इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या क्या दिए हुए हैं, 8 डिग्रीज और 37 डिग्रीज। तो उसमें डिफरेंस कितना आता है पता है, 37 - 8 मतलब 29 का आता है, 29। ठीक है, अब ब्राजील का देखते हैं, ब्राजील के लैटिट्यूड्स है 5 डिग्रीज और 33 डिग्रीज। तो 33 - 5 कितना होता है, 33 - 5 होता है कितना, 28। तो देखो ब्राजील का डिफरेंस और इंडिया के डिफरेंस में क्या फर्क है। देखो एक और चीज है कि इसमें 33 डिग्री साउथ है और 5 डिग्री नॉर्थ है ब्राजील के केस में। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है, एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ब्राजील का उन्होंने क्या बोला है, 5 डिग्रीज नॉर्थ, 5 डिग्रीज नॉर्थ अप्रोक्सीमेटली और 33 डिग्री साउथ। इसका क्या मतलब होता है पता है, ये तुम्हारा इक्वेटर है, इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। अब इसके ऊपर 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ठीक है, और नीचे 33 डिग्रीज। तो यहाँ पे तुम दोनों को माइनस नहीं करोगे क्योंकि ये साउथ दिया हुआ है ना, तो ये नीचे आएगा, और 5 डिग्रीज नॉर्थ दिया मतलब ऊपर आएगा, तो ये दोनों को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो 33 + 5 ये कितना हो जाता है, 38। तो ब्राजील का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 38 हो गया, जबकि इंडिया का क्या था, इंडिया का क्या दिया हुआ है देखो जरा ध्यान दे, इंडिया का क्या दिया हुआ है, इंडिया का दिया है 8 डिग्री और 37 डिग्री साउथ, 8 डिग्री साउथ और 37 डिग्रीज साउथ। तो ये क्या हुआ, ये इक्वेटर है तुम्हारा 0 डिग्रीज, इसके नीचे यहाँ पे आते 8 डिग्रीज और यहाँ पे आते 37 डिग्रीज। तो इन दोनों में का डिफरेंस निकालो तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल जाएगा, ये क्या है, ये है सिर्फ 29। तो ब्राजील का आता है 38 और इंडिया का आता है 29। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट किसका ज्यादा है, ब्राजील का ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पे 29 आया, वहां पे 38 आया। ये समझ में आई बात तुम्हें, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, प्लीज यस लिख दो अगर समझ में आया हो। और लॉन्जिट्यूड की भी बात कर लेते हैं, तो इंडिया का दिया है 68 और 97, 68 डिग्रीज ईस्ट और 97 डिग्रीज ईस्ट, ठीक है। और ब्राजील का क्या दिया है, ब्राजील का दिया है 34 डिग्रीज वेस्ट और 73 डिग्रीज वेस्ट, ठीक है। तो इसको अगर तुम माइनस करते तो कितना आता है, 73 - 34, ये कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा 39 आ जाएगा ये, ठीक है, ये 39 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। और जब इसमें से ये माइनस करते तो कितना आता है, 97 - 68 करके देखो तो 97 87 77 67, मतलब यहां पे आएगा 29, यहाँ पे 29 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 39। तो अगेन यहाँ पे इंडिया का ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड भी छोटा हो जाता है और ब्राजील का बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ब्राजील हमसे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों में बड़ा है, एंड दैट्स वाई एक्सटेंट ऑफ ब्राजील कौन से हमसे बड़े हैं, कौन से ज्यादा है, लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल दोनों के दोनों, है कि नहीं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आ रहा है श्रेयस भाई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके रोहन भाई क्या बोल रहा है, नो भाई दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। हाँ भाई ओके एक्चुअली मला PDF सेंड कर इंस्टावर, तू CET देणार आहेस? हो मी देणार आहे म्हणून मी क्विज घेतोय। ओके तू देणार आहेस ना CET? हे बघ PDF मी असं जोपर्यंत पूर्ण संपूर्ण क्विज संपत नाही तोपर्यंत मी पाठवू शकत नाही, बरं का? म्हणजे अजून फक्त 4 चॅप्टर झालेत, म्हणजे पूर्ण 9 चॅप्टर झाले तेव्हा मी टेलिग्राम ग्रुपवर PDF टाकत असतो, ठीक है, पण असं मी मध्येच देऊ शकत नाही, ठीक है, मग आयदर यू हैव टू वेट और सेशन अटेंड करू शकतोस। ओके चलो ये बताओ, इन इंडिया थॉर्नी वेजिटेशन इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में मिलती है थॉर्नी वेजिटेशन? थॉर्नी वेजिटेशन क्या होती है सबको पता है, व्हाट इज थॉर्नी वेजिटेशन सबको पता है क्या? थॉर्नी मतलब काटे काटे वाले झाड़, ठीक है। रोहन मैं क्या बोलता हूं, आज के क्विज से आई थिंक रोहन भाई को कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, आप अभी अभी 10th में आए हो ना, नहीं देणार CET मी डिप्लोमाला जाणार आहे। अच्छा पण कॉलेज साठी तर CET हवीच आहे ना, कुठलंही डिप्लोमा असेल किंवा कुठलंही असेल कॉलेज साठी तर CET हवी आहे, की कॉलेज फायनल आहे, कॉलेज फायनल आहे तुझं श्रेयस? ओके टेल मी व्हॉट इज थॉर्नी, थॉर्नी मतलब काटो वाली वेजिटेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस वगैरह। तो अभी ऑब्वियस हो गया ना किधर होगी थॉर्नी वेजिटेशन, किधर होगी बताओ, ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, किधर होगी थॉर्नी वेजिटेशन, राजस्थान में होगी, कैक्टस वगैरह, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मैंग्रोव्स आर फाउंड इन कोणता डिप्लोमा? ओके श्रेयस दिस इज दीप रत्न, हो अच्छा कॉलेज फिक्स आहे, हां मग CET द्यायला लागणार नाही मला वाटतंय,
एक्चुअली माझं कॉलेज सुद्धा फिक्स आहे, पण नाही 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 भाई, समज रहा है आपका लेक्चर. ओके ओके, बढ़िया, अच्छी बात है. चलो भाई, इन इंडिया मैंग्रोव्स आर फाउंड इन. मैंग्रोव्स क्या होती है भाई? मैंग्रोव्स क्या होती है सबको पता है क्या कि नहीं पता? श्रेयस, मी सुद्धा, माझं सुद्धा कॉलेज फिक्स आहे, पण मी काय म्हणतोय की जरा काय म्हणतात असं एक बॅकअप राहू द्या ना, नाहीतर काय होणार मग. देखो मैं मैंग्रोव्स का इमेज दिखा देतो, म्हणून मी सीटी देतोय. हाँ देखो, ध्यान से देखना, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं तुम्हें मैनग्रोव्स का इमेज दिखा रहा हूँ. ये जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मैनग्रोव्स. मतलब ऐसे पानी वाले एरिया में जहाँ पे झाड़ उग जाते हैं ना, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको बोलते हैं मैनग्रोव्स. अंडरस्टूड? तो अब ये मैनग्रोव्स किधर मिलते हैं, पता है मैनग्रोव्स किधर मिलते हैं? हेलो हेलो, ओके, आई थिंक थोड़ा सा लैग हो रहा होगा. अरे अवघड आहे सीईटी. काय अवघड नाही आहे, दहावीचं पोर्शन झालंय ना, जर दहावीचा अभ्यास झालेला आहे तर सीईटी काही अवघड नाही आहे. ओके, अगर टेंथ का अगर स्टडी करके हुआ है ना, तो सीईटी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. टेंथ का अगर तुमने पढ़ाई किया है देखो, टेंथ की अगर तुमने पढ़ाई की है ना, तो सीईटी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज समझ लो. ट्राई तो करो वैसे भी. देखो सीईटी की तुम्हें कुछ एडिशनल फीस तो देनी नहीं है, बस जाके एक पेपर देने का है. ट्राई तो करो, लैग होता है. हो, माहित है माहित है, एक मिनट झालं होतं. अभी तो ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा, वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है ऐसे लैग, ठीक है? तो मैनग्रोव समझ में आ गया क्या है. तो ये मैनग्रोव किधर मिलते हैं बताओ, अब ये मैनग्रोव किधर मिलते हैं, मैनग्रोव किधर मिलते हैं, डू यू नो मैनग्रोव किधर मिलते हैं? तो मैंने तुम्हें बता दिया, स्वाम्पी एरियाज में मिलते हैं. व्हाट आर स्वाम्पी एरियाज? जहां पे पानी भरा हुआ रहता है उसको हम स्वाम्पी एरियाज बोलते हैं. अंडरस्टूड? हाँ, दीपरत्न को पता होगा ये चीज. स्वाम्पी एरियाज मतलब जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी फोटोज में दिखाया. सबने फोटोज देखी थी ना अभी अभी, उस फोटोज में मैंने दिखाया था आपको कि कैसे है ना, ऐसे पानी भरा हुआ था और उस पानी में झाड़ उगे हुए थे, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं स्वाम्पी एरियाज, वहां पे मैनग्रोव मिलती है. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सी. समझ में आ रहा है रोहन, श्रेयस, सबको समझ में आ रहा है क्या है? सो इन इंडिया मैनग्रोव्स आर फाउंड इन स्वाम्पी एरियाज. फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्वाम्पी एरियाज है. सुंदरबन तुमने सुना होगा, सुंदरबन वो वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन मतलब यही है, यही चीज है सुंदरबन में पाई जाती है. पूरा पानी भरा हुआ रहता है वहां पे और उसमें पानी में झाड़ उगे हुए रहते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? सो दैट इज मैनग्रोव्स, ठीक है? समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो. हाय, कोणता डिप्लोमा घेतलास? ओके ओके ओके, चलो चलो. रोहन भाई, डू यू नो ब्राजील इज नोन फॉर, ब्राजील में सबसे फेमस क्या है, क्या आपको पता है? रोहन भाई, यस भाई, आई नो स्वाम्पी एरियाज. अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है भाई. चलो, ब्राजील इज नोन फॉर, श्रेयस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दीपरत्न भाई, ट्राई टू आंसर. ब्राजील इज नोन फॉर पीकॉक्स, फॉक्सेस, कंगारूज, पिंक डॉल्फिन्स. टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बघायचं चाललंय. अच्छा ओके, ये बताओ, ब्राजील इज नोन फॉर. और भाई कल सब लोगों के लिए एक बहुत मस्त सरप्राइज आने वाला है, ठीक है? बहुत ही मस्त सरप्राइज आने वाला है. अच्छा बताओ इसका आंसर बताओ. ब्राजील इज नोन फॉर पीकॉक्स, फॉक्सेस, कंगारूज, पिंक डॉल्फिन्स. अच्छा तुम लोग आंसर करो, मैं जस्ट एक सेकंड में आया, ठीक है? ये तीन क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये आंसर करो. ओके भाई, बताओ बताओ क्या होगा इसका सही जवाब. अरे मी अभ्यास केला आहे वर्षभर. मग चांगले आहे की मग सीईटी देऊ शकतोस, है की नाही?
कंगारूज गलत है भाई, कंगारूज के लिए तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज पिंक डॉल्फिन्स। ठीक है, वहाँ की जो अमेजोन नदी वगैरह है ना, वहाँ पे पिंक डॉल्फिन्स बहुत मिलती है। हमारी गंगा नदी में भी पहले मिलती थी और लॉकडाउन में भी अभी मिलने लगी है, लेकिन उसके पहले पिंक डॉल्फिन्स गायब हो गई थी गंगा नदी में। सो दैट्स वाई इंडिया के लिए नहीं होता ये अप्लाई। सो ब्राजील इज नोन फॉर पिंक डॉल्फिन्स, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया डैश आर सीन इन वेटलैंड्स, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। कैन एनीवन टेल मी, इन इंडिया डैश आर सीन इन वेटलैंड्स। और रोहन भाई, दिव्या तू नाइन्थ पास जाने, अरे भाई ओके। रोहन भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम जो भी है आपको वीडियोस वगैरह के लिंक्स भेज देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि आज कौन से सेशन होने वाले हैं। ठीक है, चलो इंडिया में वेटलैंड्स में क्या दिखता है, वेटलैंड्स मतलब वही चीज़ जहाँ पे पानी भरा हुआ हो, ठीक है, जो गीला एरिया जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है उसको वेटलैंड्स कह सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या मिलता है। इन इंडिया डैश आर सीन इन वेटलैंड्स, सॉरी श्रेयस केला है ना अभ्यास, सांग सांग बरो सांग बरो, काय मिलता है वेटलैंड्स मध्ये। श्रेयस अभ्यास केला है ना, सांग सांग उत्तर दे। ओके भाई ठीक है चलो। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारे चैनल के नाम से है। चलो, इन इंडिया डैश आर सीन इन वेटलैंड्स, द करेक्ट आंसर इज इंडियन बस्टर्ड्स। आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुना होगा, इट इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड। ठीक है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लो। ठीक है, तो इंडियन बस्टर्ड की मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई फोटो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये वाला जो पक्षी है इसको कहते हैं इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, और ये मैक्सिमम इंडिया में ही मिलता है, ये वेटलैंड्स में मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी भरा हुआ एरिया है, अंडरस्टूड, यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ एरिया है, तो ये वेटलैंड्स में मिलता है ज़्यादातर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड इन द एरियाज नियर, huge anacondas are found in the areas near। तो भाई ये शायद ही पता होगा तुम्हें, ये शायद ही पता होगा। सांग संगता क्लास ला बसायचो आणि आज कळालं तुला। ओके ओके ओके, हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब है, श्रेयस भाई बिल्कुल सही है। चलो बग बरोबर आला ना, अच्छा सही है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, ह्यूज anacondas आर फाउंड इन द एरियाज नियर। तो भाई एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ ब्राज़ील का वापस, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़। ठीक है, पंटनाल रीजन इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार है ना मैप में दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो मैप दिखाते हैं, चलो चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो देखो ये ब्राज़ील का मैप है, ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हट जाऊँ, एक सेकेंड मैं साइड में हट जाता हूँ। चलो ये लो, तो ब्राज़ील का मैप तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। अब इस ब्राज़ील के मैप में देखो, ये जो एरिया है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं पंटनाल रीजन। क्या कहते हैं, पंटनाल रीजन। ये भी हमारे वेस्ट बंगाल की तरह यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, अंडरस्टूड, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जैसे हमारे सुंदरबन से ना, वैसे ही ये पंटनाल है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि एनाकोंडास, अंडरस्टूड, एनाकोंडा वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे पंटेनाल रीजन में मिलती है, अंडरस्टूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज पंटेनाल रीजन। समझ में आई बात सबको, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैं साइड में हट जाऊँ वापस। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड इन द एरियाज नियर पंटेनाल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बगड़ा इन मराठी, करेक्ट बगड़ा, यस। टीक इज मेनली फाउंड इन द डैश टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टीक कौन से फॉरेस्ट में मिलता है, टीक वुड उसका बहुत अच्छा रहता है, टीक का है कि नहीं, तो टीक फॉरेस्ट कौन सा रहता है, टीक कौन से टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है। बताओ बताओ, पता है श्रेयस भाई, जाओ पता है इसका, तो
देखो फॉरेस्ट टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एवरग्रीन मतलब जो साल भर ग्रीनरी रहती है, मतलब साल भर वहां पे बारिश होती है अच्छे से, या फिर अच्छे से वहां पे पानी होता है और मस्त ऐसे पेड़ उगते हैं साल भर, ठीक है। दैट इज नोन एज एवरग्रीन। लेकिन यहाँ पे एवरग्रीन नहीं है ऑप्शंस में, ओके ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोस्टल फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड बुशी, डेसिडुअस या कॉनिफेरस, बताओ ये किधर होता है? पता है सबको टीक किधर होता है? हाँ भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे बाकी क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई बताओ जल्दी से बताओ टीक किधर होता है? तो टीक होता है डेसीडुअस फॉरेस्ट में, आई थिंक यू डोंट नो, ठीक है किसी का, क्योंकि आंसर तो नहीं आया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेसीडुअस। डेसीडुअस मतलब वो एवरग्रीन के थोड़ा सा नीचे वाला स्टेज, मतलब वहां पे अच्छा खासा पानी मिलता है, अच्छे से फॉरेस्ट ग्रो होता है, लेकिन एक सीजन ऐसा रहता है जब वो फॉरेस्ट जो है या तो सूख जाएगा या तो अपने पत्ते झाड़ देगा, ठीक है। एक सीजन ऐसा रहता है, कहाँ पे होता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अंडरस्टूड? सब लोगों को समझ में आ गया? तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे 6:30 को। हाँ ओके, कल दीप रत्न भाई कल 4:30 को क्विज नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे घर पे थोड़ा गेस्ट आए हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, कल नहीं हो पाएगा क्विज 4:30 को। 6:30 को भाई क्लास होगी, ठीक है। 6:30 को 10th के लिए क्लास होगी। रोहन भाई आर यू स्टिल हियर? रोहन भाई आर यू स्टिल हियर? इफ यस देन प्लीज टेल मी। कल 6:30 को क्लास होने वाली है तो जरूर आ जाना, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बोल दो फटाफट। अमेजॉन इज लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ, भाई इसका आंसर बताओ। नो डेल्टाज आर फाउंड। देखो अमेजॉन नदी, अच्छा मैं इसको चैप्टर एक्सप्लेन करते समय एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। इसी चैनल पर होगी ना क्लासेस? हाँ इसी चैनल पे होगी 10th स्टैंडर्ड की, ठीक है। चलो भाई 6:30 को कल 10th की होने वाली है, ठीक है। चलो बाय बाय, एंड नो डेल्टाज आर फाउंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय रोहन भाई, बाय बाय दीपरत्न भाई, ठीक है। चलो बाय।